जी हाँ, देखिए सदियों से ये समाज जो था उसको लोगों ने गुलाम बना के रखा था। हम लोग तो उस कुल से, खानदान से आते हैं कि हमारे पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाया था, लेकिन बरसों बाद लोगों ने इस समाज को गुलाम बना दिया और उसके बाद बरसों बाद, हजारों साल बाद, आज हम लोगों ने सोचा है कि गुलामी की जंजीर को तोड़कर अपने हक अधिकार ले इस समाज में। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस समाज में आप देखिएगा तो बिहार में खास करके मछुआरा समुदाय जो आते मल्ला, उनका मुख्य पेशा जो था रोजी रोटी जरिया करने का, वो तालाब में मछली मार के घर परिवार चलाना। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे भारत में और खास करके बिहार में जलाशय नीचे जा रहा है, नदी तालाब सूखते जा रहा है, उनके रोजी रोटी पे बहुत बड़े पैमाने पे संकट है, पॉपुलेशन भी बड़े संख्या में बढ़ते जा रहा है और उस जगह पे उनके लिए खेती गृहस्थी नहीं है। क्योंकि हमारे पूर्वज, पिताजी हो या दादाजी या परदादाजी, कभी खेती गृहस्थी पे निर्भर नहीं थे, इसलिए उनके पास ज़मीन नहीं है और ज़मीन नहीं रहने के बाद आज देखिए कि हमारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और उस हालत में सरकार की तरफ से भी उनको कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। जैसे गंगा जी है तो गंगा जी में मछली फ्री होने से हर जाति धर्म के लोगों का उस पर कब्जा हो चुका है। आप देखेंगे बहुत सारा तालाब है जिसपे दूसरे लोगों को, जाति धर्म के लोगों ने कब्जा कर लिया अपना वर्चस्व के कारण, तो वहाँ पे उनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसके लिए निषाद समाज का जो है रोजी रोटी पे बहुत बड़ा पैमाने पे संकट है और इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। आज मजबूती से हम लोगों ने बिहार में अपनी आवाज़ को पहुँचाकर और बिहार सरकार का हिस्सा बना और मैं मजबूती से अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन NDA में कुछ नेता को लगा कि मुकेश सहनी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर लेंगे तो शायद आज 11 सीट देना पड़ता है, कल 51 देना पड़ेगा। और राजनीति एक कूटनीति के तहत उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर करने का काम किया, फिर से उन्होंने हमें ख़त्म करने का उन्होंने षड्यंत्र रचा। लेकिन निषाद समाज जागरूक है, मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे, पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, घूम रहे अपने लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ छल किया, आपको किस तरीके से परेशान किया और आने वाले समय में 2024 और 25 का चुनाव आएगा तो आपको ताकत दिखाना है। क्योंकि वोट के दम पर ही देश का राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो इस जगह पे हम लोग क्यों नहीं अपने वोट को ताकत को समझे। आपके वोट के ताकत पे तो अपने बिहार सरकार का हिस्सेदार बने, आपके सहयोग से सरकार बना। ये ऑप्शन हमारे पास भी था कि सरकार नहीं बनने देते, लेकिन हमने ईमानदारी से हमने काम किया। लेकिन वो लोग जिनके साथ हमने ईमानदारी से काम किया, उन्होंने हमारे साथ किस तरीके से भीतरघात किया, किस तरीके से हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, यही सब चीज़ें हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं। और मजबूती से आने वाले समय में आपने देखा कि बोछा में किस तरीके से हमारा रिजल्ट हुआ, हम जिसके साथ थे उस वही सीट हमने 12,000 से जीता और हम साथ नहीं है तो 36,000 से चुनाव वो हारे हैं। हमने अपने दम पर अकेले 30,000 वोट हमने लाया और वहीं पे NDA पूरी शक्ति लगाने के बाद 45,000 वोट लाए, तो इसलिए हैप्पी पार्टी और मजबूत है और हमारे पास मजबूती से जनाधार बढ़ रहे हैं और हर जाति धर्म से बढ़ रहे हैं। सिर्फ निषाद ही नहीं, निषाद का तो पोलिंग कैपेसिटी 10% का ही है, लेकिन 18% अगर हमें वोट आया तो कहीं ना कहीं 8% हमें अन्य समाज के लोगों ने भी दिया और ये वोट दिलाने का काम निषाद समाज ने किया। क्योंकि आज निषाद समाज इस पार्टी का सिर्फ वोटर नहीं है, एक मजबूत कार्यकर्ता है, अपना वोट भी देना जानता है और दूसरे से हाथ जोड़कर वोट लेना भी जानते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी का विचारधारा बहुत तेजी से गांव-गांव पहुंच रहा है, हर जाति धर्म के बीच में पहुंच रहा है और आने वाले समय में बिहार में VIP पार्टी फिर से किंग मेकर बनने का काम करेगा। सामाजिक समरस समाज बनाना जरूर, हर जाति धर्म के साथ मिलकर काम करेगा।